हे माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज विद आरू। और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लब फैक्ट्री से विंटर हॉल शेयर करने जा रही हूँ। और ये पूरा नहीं है बिकॉज मैंने बहुत सी चीजें ऑर्डर की है, बट मुझे सारे प्रोडक्ट्स अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। जो मुझे जैकेट्स रिसीव हुए हैं फिलहाल मैं आप लोगों के साथ में उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैं क्लब फैक्ट्री से कुछ जैकेट्स का रिव्यू शेयर करूँ। तो मैंने मेरे लिए और मेरे हबी के लिए जैकेट सिलेक्ट किया था और वो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो जैकेट कैसा है। तो इन दोनों पैकेट्स में वो जैकेट्स आए हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे हस्बैंड का जैकेट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की जिपर बैग में क्लब फैक्ट्री के सारे क्लोथ्स हमें मिलते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और ये है वो जैकेट, ये ब्राउन कलर की लेदर की जैकेट है फ्रेंड्स। ये देखिए, जैकेट दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने देखा था तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें ब्लैक कलर अवेलेबल था, डार्क ब्राउन मीन्स कॉफी कलर अवेलेबल था, प्लस ये वाला क्रीमिश ब्राउन अवेलेबल था। उनके पास ब्लैक और ब्राउन ऑलरेडी था तो हमने ये लाइट ब्राउन प्रेफर किया कि इस बार ले, बट ये साइज में थोड़ा इश्यू हो गया, साइज उनको छोटी पड़ रही है, बट जैकेट मुझे अच्छी लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ कि ये जैकेट किस तरह से है। ये इस तरह से है ये जैकेट, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये इसकी हैंड स्लीव्स है, हैंड स्लीव्स पे भी हमें यहाँ पे ये बटन मिल रहा है, ये देखिए। और इस बटन को हम यहाँ पे ऐसे बंद कर सकते हैं और पूरे फ्रंट में हमें यहाँ पे ये बटन्स मिल रहे हैं। और अंदर से यहाँ पे ये फर लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, बिकॉज फर से काफी ज्यादा बॉडी में हीटनेस मिलती है, तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग विंटर टाइम पहनने के लिए। और ऊपर से जो इसका ये मटेरियल है, ये लेदर का मटेरियल है ब्राउन कलर का, जो कि अच्छा है। ये नहीं बोलूंगी कि मतलब खराब मटेरियल है, मटेरियल अच्छा दिया है उन्होंने, लेदर अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए। तो फिनिशिंग की गई है, फिनिशिंग अच्छी दी गई है, मीन्स इसका जो हमने प्राइस पे किया था वो है कुछ 1854 रुपीज। जब ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी तब मैंने इसे बुक किया था। 1854 के हिसाब से मुझे ये जैकेट अच्छी लगी है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने उनके लिए ऑनलाइन बुक किया था, इनफैक्ट अपने लिए भी, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ शॉप से ही परचेज किया था, बट ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि हमने जैकेट क्लब फैक्ट्री से बुक किया था। तो उनका तो ड्रॉबैक हो गया कि साइज का इश्यू हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे रिटर्न करना होगा। मैं इसके रिप्लेसमेंट में जो एक थोड़ा और एक बड़ा लार्जर साइज ऑर्डर करने वाली हूँ। और जैकेट ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, जो प्राइस हमने पे किया है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों को जो मैंने पर्सनली अपने लिए लिया है मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। वो फ्रेंड्स इसमें है और मैंने ब्लैक कलर की ली है बिकॉज मेरे पास वाइट कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लैक नहीं था, तो मैंने ये ब्लैक कलर की रोस्टर जैकेट ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से है, ये भी लेदर का जैकेट है, इसका मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो इनफैक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट में मिला था। एट प्रेजेंट तो इसका प्राइस ज्यादा होगा, मुझे एग्जैक्टली अब पता नहीं कि एट प्रेजेंट इसका प्राइस क्या होगा, बट मुझे ये जैकेट मिली है 1150 रुपीज में। फ्रेंड्स, ये जैकेट बहुत ज्यादा सुंदर है, इनफैक्ट अगर ये हम मॉल में लेने जाएंगे तो इस जैकेट का प्राइस आराम से 499 था, मैंने चेक किया था, बिकॉज इसके पहले भी जो मैंने व्हाइट कलर की जैकेट्स ली है उन सबके प्राइस काफी ज्यादा है। जब मैंने क्लब फैक्ट्री पे देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन जैकेट्स खरीदने का, तो मुझे ये जैकेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल थे, मैंने जो साइज चूज किया था वो है मीडियम, बट मुझे स्मॉल साइज लेना चाहिए था बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा ढीला हो रहा है, बट कोई नहीं, टाइट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो वो मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहन के उसे एडजस्ट कर लूंगी, वो इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो मुझे ये जैकेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने कम प्राइस में इतना अच्छा जैकेट मिल गया, देन आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं आप लोगों के साथ में बस ये दो जैकेट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मेरे और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, जैसे ही वो प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव होंगे मैं क्विकली आप लोगों के साथ में उसका रिव्यू शेयर करूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो एक बड़ा सा लाइक देना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। जैकेट्स आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Till then, bye-bye, see you in my next video.